स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ऑन दिस डेली करंट अफेयर मॉड्यूल ऑफ 9th अगस्त। हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, इन 8 मुद्दों के ऊपर कुछ बहुत फंडामेंटल इश्यूज है, ठीक है, कुछ रनिंग स्टोरीज है, कुछ नई जानकारी है, ठीक है। हर अलग अलग तरीके से हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स इन मॉड्यूल को रेगुलरली देखते हैं, इन मॉड्यूल्स के द्वारा रेगुलरली नोट्स बनाते हैं, है ना, दे विल हैव लॉट ऑफ एडवांटेज ऑन द एग्जाम डे, बिकॉज प्राइमरली इन मुद्दों के अंदर जो भी हम यहाँ डिस्कशन करते हैं, दे आर बेसिकली यू कैन से बिल्डिंग स्टोरीज। ठीक है, दे आर हेल्पिंग यू टू कनेक्ट विद लॉट ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स, लॉट ऑफ करंट अफेयर, विद लॉट ऑफ जनरल नॉलेज। ठीक है, सो आपको काफ़ी मदद करेगा। एट द सेम टाइम इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड वेरियस लीगल आस्पेक्ट। इंडिया की पार्लियामेंट में मॉनसून सेशन चल रहा है। इस मॉनसून सेशन के दौरान एक नो कॉन्फिडेंस मोशन एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के खिलाफ लगाया जा रहा है। वी ऑल नो दैट इंडिया हैज यू कैन से लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दिस आर द 3 पिलर्स, बट एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। सो इसलिए लेजिस्लेचर की सिस्टम के अंदर ये सवाल पैदा किया जा सकता है कि हमें इन एग्जीक्यूटिव के ऊपर विश्वास नहीं है। ठीक है, हालांकि जो एग्जीक्यूटिव बनते हैं वो लेजिस्लेचर से ही बनते हैं, और लेजिस्लेचर में अगर उनके पास मेजोरिटी है तो कभी भी उनको निकालना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बन जाता है, जैसे करंट केस में। ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ठीक है, जो एक तरीके से कांग्रेस या अपोजिशन पार्टी ने गवर्नमेंट के खिलाफ लेकर आए हैं, ठीक है, उसका कोई सोल्यूशन आने वाला नहीं है। इन द सेंस दे विल नॉट बी इन द फेवर ऑफ अपोजिशन पार्टी, बट दे विल बी इन द फेवर ऑफ द करंट गवर्नमेंट। हाउएवर, ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी बन जाता है कि भले ये नो कॉन्फिडेंस मोशन मोदी साहब के खिलाफ जाए नहीं, पर मोदी साहब के ऊपर जो सवाल पैदा किए जा रहे और जो करंट एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के खिलाफ जो सवाल पैदा किए जा रहे वो इम्पोर्टेंट है। डेमोक्रेसी में इस तरीके के मुद्दे जो डिबेट में आए, डिस्कशन में आए, वो बड़ा महत्वपूर्ण बात बन जाता है। जैसे कांग्रेस के एक एमपी है गौरव गोगोई साहब, ठीक है, उन्होंने मॉनसून सेशन के दौरान जो नो कॉन्फिडेंस मोशन चालू हुआ उसके ऊपर बोला। टोटल 18 एमपी ने इसके ऊपर बोला। देर वर टू आर्ग्यूमेंट्स विच इज कमिंग फ्रॉम यूनियन मिनिस्टर एज वेल, ठीक है, विच इज ऑब्वियसली अगेंस्ट दी इगेंस ए मोशन, उसके खिलाफ बातें आई। गोगोई साहब ने कहा दैट वी आर आस्किंग 3 क्वेश्चंस टू मिस्टर मोदी। ठीक है, सो मेजर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का सवाल यह है कि मोदी साहब इस मुद्दे पे कुछ बोल नहीं रहे। मोदी साहब ने इतने दिनों से जो मुद्दा चल रहा है उसके ऊपर कुछ बोला नहीं। इट हैज बीन सम अराउंड 3 months नाउ, एंड इन दिस 3 month सिनारियो मोदी हैज स्पोकन ओनली वंस, एंड दैट इज फॉर लेस देन 30 seconds। सो वेर इज ही इवन डिड नॉट विजिट यू कैन से मणिपुर, तो वो मणिपुर में भी नहीं गए। इनफैक्ट अपोजिशन पार्टी, इंडिया का अलायंस, राहुल गांधी, ठीक है, ये सब लोग मणिपुर गए, बट मोदी डिड नॉट गो। ठीक है, तो ये सवाल उन्होंने पूछे हैं ऑन द नो कॉन्फिडेंस मोशन। नाउ दिस ब्रिंग्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, एज यू कैन से मिस्टर गोगोई सेड दैट, एज अब्राहम लिंकन सेड दैट, इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। सो इफ देर इज अ प्रॉब्लम हैपनिंग इन मणिपुर एंड देर इज इनजस्टिस हैपनिंग इन द मणिपुर, एंड वेन द गवर्नमेंट इज नॉट स्पीकिंग, गवर्नमेंट इज नॉट वेरी एक्टिव ऑन दिस मैटर, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से होम मिनिस्टर साहब विजिट करने गए, ठीक है, देन देर इज अगेन से डिफेंस मिनिस्टर भी विजिट करने के लिए गए। However, you can say Mr. Modi did not speak on this matter, did not visit this place. In fact, if you talk about, let's say, some places like Gujarat, or let us say some place in Maharashtra, or let's say Madhya Pradesh, or some other places where BJP government is there, as soon as BJP government realizes that the people are not with CM or CM is not capable, they simply remove CM and bring another CM. Okay? Why not this is happening in Manipur? Why government
is supporting N. Biren Singh. That's big questions being raised. And with this news item, that is very unique news item has been, you can say, taking shape in Manipur. Manipur police registers case against paramilitary force called Assam Rifle. ठीक है, Assam Rifle जो एक paramilitary force है, ठीक है, जो वहाँ पे, that is मणिपुर में law and order को maintain करने के लिए काम पे लगा है, ठीक है, उनके ऊपर आरोप है that they have created obstruction of duty and criminal intimidation. Now what was the case? ठीक है, the case was एक particular father और son की कोई death हुई थी, है ना, they were, you can say, killed while they were sleeping by suspected member of कुकी community. ठीक है, तो उन्होंने जब इनको मार डाला तो पुलिस इंक्वायरी के लिए पहुंची, तो पुलिस टीम को आसाम राइफल ने आगे बढ़ने से मना कर दिया. सो दे एक्चुअली ऑब्स्ट्रक्टेड देम, दे ऑब्स्ट्रक्टेड विद वेराइटीज ऑफ द व्हीकल्स एंड बिकेन्स ए लॉट ऑफ इश्यूज. सो दिस इज एन एरोगेंट एक्ट बाय 9th बटालियन ऑफ आसाम राइफल. आई एम श्योर यू नो दैट देर मे बी अ जीके क्वेश्चन विच विल कनेक्ट टू दिस आसाम राइफल. ये नोट करना, बिकॉज आसाम राइफल इज हैंडलिंग द एंटायर मैटर इन मणिपुर. ठीक है, कमिंग टू वन वेरी यूनिक केस, है ना, दिस इज कनेक्टेड टू वेरी, यू कैन से, यूनिक सिनारियो, दैट देर वॉज अ मुंबई बेस्ड बिजनेस मैन मिस्टर बिरजू सल्ला. क्या नाम है उनका? मिस्टर बिरजू सल्ला. नाउ बिरजू सल्ला क्रिएटेड सम ट्रबल इन वन ऑफ द एयरलाइंस. ठीक है, एक नया लॉ बनाया गया था, दिस वॉज टेकिंग प्लेस इन 2016, एंड द लॉ का नाम था एंटी हाईजैकिंग एक्ट. ठीक है, तो ये 2017 में मुंबई दिल्ली की एक फ्लाइट थी, और मुंबई दिल्ली की फ्लाइट में बिरजू सल्ला साहब वॉज, यू कैन से, इंटरेस्टेड कि भैया वो फ्लाइट ग्राउंडेड हो जाए. ठीक है, वो फ्लाइट आगे ना बढ़े. क्यों ना बढ़े? बिकॉज बिरजू सल्ला हैड, यू कैन से, मतलब हिज गर्लफ्रेंड, पॉसिबली सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड, एंड वॉज द केबिन क्रू इन दैट फ्लाइट, एंड ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड दैट उस दिन वो लेडी, है ना, उस फ्लाइट से आगे बढ़े. सो देयर फॉर ही प्लांटेड अ पेज इन द फ्लाइट. ठीक है, के एक लेट्स से लेबोरेटरी में उन्होंने एक कागज रख दिया जहाँ पे लिखा था दैट देयर इज एन हाईजैकिंग टेकिंग प्लेस, इसमें बॉम्ब रखे हुए हैं, दिस प्लेन विल गो टू POK, पीपल विल डाई, ऐसा सब उन्होंने लिखा हुआ था. जैसे ही वो कागज मिला, द फ्लाइट वॉज ग्राउंडेड ऑन अहमदाबाद, एंड देन इट वॉज रियलाइज दैट बिरजू सल्ला वॉज इन्वॉल्व, एंड NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी स्टार्टेड टू इन्वेस्टिगेट दिस मैटर, एंड दे पुट हिम बिहाइंड द बार. ठीक है, फॉर लाइफ टर्म, जिंदगी भर इनको जेल में डाल दिया. ठीक है, बिकॉज इट वॉज अ होक्स थ्रेट. ठीक है, उन्होंने एक होक्स थ्रेट लगाई थी, और होक्स थ्रेट के मुताबिक, एंटी हाईजैकिंग एक्ट के मुताबिक, NIA के पास पावर है कि इस तरीके का उनको सजा दे सके, और सजा दे दी. ठीक है, गुजरात हाईकोर्ट ने 7 साल जेल के बाद इस बंदे की सजा को क्वाश कर दिया. ठीक है, एंड उन्होंने NIA को कहा कि भैया इनको छोड़ दीजिए, और NIA ने उनकी जो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट करी थी, उनके ऊपर 1 करोड़ रुपए का फाइन लगाया था, ये सब उनको, सॉरी नॉट 1 करोड़, 5 करोड़ का जो फाइन लगाया था उसको वापस कर दीजिए. ठीक है, हाईकोर्ट ने इस केस को बिजार कहा. ठीक है, कि ऐसा गलत काम किया आपने. ठीक है, ऑब्वियसली देयर इज समथिंग रॉन्ग डन बाय मिस्टर बिरजू सल्ला, बट दैट डजंट मीन दैट यू गो टू सच अ ग्रेट लेवल. Now what you should remember possibly from the exam point of view is, one, anti-hijacking act, that is 2016 ka act hai, dosto ye yaad rakhna, and this is the first person to be convicted under this case, and he was the first person to put into no fly list by Ministry of Civil Aviation. ठीक है ना, चलिए ग्रेट. तो इसी बात पे मुझे बताइए, who is the current Minister of Civil Aviation? ठीक है, चलिए ग्रेट. केरला हाईकोर्ट के पास एक बड़ा अजीब सा केस आया, और केरला हाईकोर्ट ने बड़ा समझदारी भरा यहां पे एक्शन लिया. केस क्या पहुंचा? जस्टिस वीजी अरुण के पास ये केस पहुंचा,
जहाँ पे एक इन्फंट था, एक बच्चा पैदा हुआ और वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जेनिटेलिया के साथ पैदा हुआ, ठीक है, मतलब ना हस्बैंड वाइफ को पता चला ना डॉक्टर को पता चला, इट वॉज एन एम्बिग्यूअस जेनिटेलिया, ठीक है। तो अब जब एम्बिग्यूअस जेनिटेलिया है तो करना क्या है, ठीक है, तो ऑब्वियसली फैमिली मेंबर ने ये डिसीजन लिया कि लेट्स गो फॉर अगेन से सिलेक्टिव सेक्स सर्जरी या सेक्स सिलेक्टिव सर्जरी, कि हम चॉइस लेते हैं कि हमें कौन सा जेंडर चाहिए, कौन सा सेक्स चाहिए और वो उसकी सर्जरी हम कर दें, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द सिचुएशन केम एंड द मैटर वेंट टू हाई कोर्ट। द पेरेंट फाइल्ड अ रीट पिटीशन कि भाई हमें परमिशन दीजिए ऐसा करने की। केरला हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि इन मतलब अगले 3 महीनों के अंदर प्लीज मेक दिस एंटायर मैटर ऑफ सेक्स सिलेक्टिव सर्जरी और यू कैन से सेक्स रिलेटेड सेक्स सिलेक्टिव सर्जरी फॉर इंटर सेक्स इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन के ऊपर क्या पॉलिसी मैटर होना चाहिए वो सरकार को बनाना है। ये उन्होंने ऑर्डर दिया 3 महीने में आपको बताना है और तब तक ये मैटर एक मल्टीडिसिप्लिनरी कमिटी को दिया जाएगा जहाँ पे पेडियाट्रिशियन होंगे, ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होंगे, ठीक है, एक पेडियाट्रिक सर्जन होंगे, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होंगे, चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट होंगे, इन लोगों को रखा जाएगा एंड देन दे विल बी डिसाइडिंग दिस मैटर। क्योंकि बात ऐसी है कि अगर ये एम्बिग्यूस जेनिटेलिया के साथ बच्चा अगर पैदा हुआ और मानो कोई किसी ने भी उसका डिसीजन ले लिया, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड इन फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ हिज हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ यू कैन से द मेंटल कैपेसिटी, इन टर्म्स ऑफ बॉडीली कैपेसिटी, इन सब में क्या होगा, दैट्स अ बिग इश्यू। और इसकी वजह से उन्होंने इस मैटर को मल्टी डिसिप्लिनरी कमिटी को सौंपा और स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि आपके पास 3 महीने हैं और इस मैटर को आप रेगुलेट करिए। बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, मेरे हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए। डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन लिया कि डिफेंस मिनिस्ट्री अपने यहाँ पे जितना भी काम करते थे, डिजिटल एक्टिविटी करते थे, कंप्यूटर माध्यम से करते थे, तो कंप्यूटर में ज़्यादातर देवर कीपिंग दी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। Now, you can say they are coming up with locally built operating system जिसका नाम है माया, जो आपके सामने दिख रहा ही है, माया ऑपरेटिंग सिस्टम है। दिस इज लोकली बिल्ट ऑन ओपन सोर्स कोड ऑफ Ubuntu से बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम माया इज वॉट दे आर गोइंग टू यू कैन से वर्क ऑन primarily because there are a lot of threats happening on the defense ministry ke computers, so therefore they are moving on a different platform and that platform may not be easily known to large number of people and thereby there is a possibility of saving a lot of information, number one, and this operating system will be built specifically for defense ministry, so there are possibility कि ऐसी कुछ चीज़ें होगी जो defense ministry की यूनिक information कैसे सेव की जाए, जिसके बारे में threat होने की संभावना थोड़ी सी कम है, ठीक है। Very important act of USA which is you can say provided in today's newspaper in connection to lot of issues happening in India about semiconductor chips। India में सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव का वादा करा गया और ये अच्छा चल भी रहा है। इंडिया में फॉक्सकॉन ने अलग अलग कंपनीज के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर चिप्स का प्रोडक्शन के बारे में बातें करी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी बहुत किया, गुजरात को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के बारे में इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर बातें करी जा रही है, ठीक है। रिसेंटली देर वॉज अ न्यूज अबाउट द इम्पोर्ट ऑफ लैपटॉप एंड टैबलेट्स को बैन कर दिया गया, विच इज़ पॉसिबली बींग इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1st of November, ठीक है। तो इंडिया बड़ा मेहनत कर रहा है अबाउट यू कैन से मैन्युफैक्चरिंग सेमी कंडक्टर चिप्स इन इंडिया। यहाँ पे ये दो लोग आर्ग्यू कर रहे हैं दैट हाउ डू वी लर्न फ्रॉम एक USA का चिप्स एक्ट। What is this act all about? Let us understand this. US government has passed a law in 2022. 9th August ko pass kiya tha, uska ek saal
आज हो गया. क्रिएटिंग हेल्पफुल इंसेंटिव्स टू प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर्स एंड साइंस एक्ट 2022, पॉपुलरली नोन एज चिप्स एक्ट. ये दिख रहा है आपको भैया, क्रिएटिंग हेल्पफुल इंसेंटिव टू प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर्स एंड साइंस एक्ट 2022. प्राइमरली दिस एक्ट विल प्रोवाइड सब्सिडीज, एक्स्ट्रा टैक्स इंसेंटिव और क्रेडिट टू वेरियस कंपनीज इन USA टू मैन्युफैक्चर चिप्स. ठीक है, हाउएवर द सेमीकंडक्टर कंपनीज विच आर रिसीविंग, नोट किया जाए, विच आर रिसीविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस थ्रू दिस पर्टिकुलर बिल विल बी बार्ड, विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम बिल्डिंग हाईटेक फैसिलिटीज इन चाइना फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स. आपकी जानकारी के लिए बता दे कि पूरे वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर में अगर टॉप में कोई कंट्री है, ठीक है, तो वो है ताइवान, उसके बाद आता है साउथ कोरिया, उसके बाद आता है चाइना, ठीक है, और ये लोग काफ़ी अच्छा काम करते हैं सेमीकंडक्टर में. अब सेमीकंडक्टर चिप्स के ऊपर अलग अलग कंट्रीज भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें USA आगे है और नाउ इंडिया इज ऑल्सो वर्किंग ऑन इट. सो इंडिया का जो एक सिचुएशन हम समझने की कोशिश कर रहे थे, उस इश्यू को यहाँ पे है ना चिप्स एक्ट के द्वारा समझ रहा है. आई होप इट इज वेरी क्लियर. ग्रेट. फिच एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है. कैसी रेटिंग एजेंसी है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. व्हाट डज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी डू? दे एक्चुअली प्रोवाइड क्रेडिट रेटिंग. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट रेटिंग? क्रेडिट रेटिंग का मतलब है आपने अगर लोन ली है, ठीक है, तो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, विच मीन्स आप ये लोन कितना रेगुलरली भरपाई कर पाते हैं. सो वो क्रेडिट वर्दीनेस आपका चेक होता है, उसकी एक रैंकिंग आती है जिसको कहा जाता है क्रेडिट रेटिंग. किसको मिलता है ये क्रेडिट रेटिंग? सबको मिल सकता है, जो भी लोन लेता है, आपको हो सकता है, कंपनी के लिए हो सकता है. कंपनी बॉन्ड, डिबेंचर्स, कॉमर्शियल पेपर्स, ये जो बनाते, मतलब ये जिसके द्वारा वो लोन लेती है उसका रेटिंग निकलता है. सिमिलरली गवर्नमेंट लोन लेती है, गवर्नमेंट जो बॉन्ड इश्यू करती है जिसको बोलते हैं सोवरेन बॉन्ड, ठीक है, आपको पता होगा गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को सोवरेन बॉन्ड बोलते हैं बिकॉज इट इज़ बैक बाय सोवरेनिटी, है ना, गवर्नमेंट के थप्पे के साथ लगता है, गवर्नमेंट कभी भी डूबेगा नहीं, गवर्नमेंट पैसा प्रिंट करके आपके पैसे को वापस कर सकता है, इसकी वजह से उसको सोवरेन बॉन्ड बोलते हैं. तो ये जो सोवरेन बॉन्ड है, ठीक है, उसकी भी रेटिंग ये एजेंसीज करती है. कैसी कंपनीज है? जैसे S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर, एक और कंपनी है जिसका नाम है फिच. इंडिया में है CARA, कारा, क्रिसिल, ठीक है, इंडिया रेटिंग्स, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो रेटिंग एजेंसी का काम करती है. फिच रेटिंग एजेंसी ने USA के सोवरेन बॉन्ड को AAA से उन्होंने उसको AA+ में डाउनग्रेड किया. हाईएस्ट इज AAA+, देन AAA, देन AAA-, देन AA+, AA, AA-, इस तरीके से चीजें चलती है. आई होप इट इज वेरी क्लियर. तो आप ये पूछ सकते हैं कि सर AAA में सबसे ऊपर आज की तारीख में कौन कौन से कंट्रीज है जिनको ये AAA रेटिंग मिलती है. AAA रेटिंग इज अवेलेबल विथ स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, लग्जमबर्ग, ठीक है, उनको AAA की रेटिंग मिलती है. USA वॉज इन AAA रेटिंग, ठीक है, सिंस 1994 से ये AAA रेटिंग में है. 1 अगस्त 2023 से फिच ने USA को ये हाईएस्ट रेटिंग जो AAA थी वहां से उसको डाउनग्रेड कर दिया, AA+ कर दिया. फिच आर्ग्यूड दैट द डाउनग्रेड क्यूमुलेटिवली रिफ्लेक्टेड द नेक्स्ट 3 ईयर्स हाई एंड ग्रोइंग जनरल गवर्नमेंट डेट बर्डन, गवर्नमेंट जो डेट ले रही है वो बढ़ रहा है, एंड इरोजन ऑफ गवर्नेंस इन कंपैरिजन टू सिमिलरली प्लेस्ड अदर कंट्रीज, और सिमिलरली प्लेस्ड द सेम ग्रुप, दैट इज सेम कंट्री इन द लास्ट 2 decades, विच मीन्स कंट्री में प्रॉब्लम है. ऐसा कंट्री का खुद का क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अपनी कंट्री के बारे में बोल रहा है. सो विच टेल्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ USA वर्क्स, हाउ USA का गवर्नमेंट काम कर रहा है, वो बहुत अच्छी बात है.
तो डाउनग्रेड में इन्होंने ये बात करी। दोस्तों आपको याद होगा कि हाईएस्ट ग्रेडिंग डबल ए ट्रिपल ए होती है, लोएस्ट ग्रेडिंग डी होती है, और डी के बाद जो भी ग्रेडिंग होती है उसको कहते हैं जंक बॉन्ड्स। क्या बोल देते हैं इसको? जंक बॉन्ड्स। तो इसके साथ मुझे बताइए इंडिया का S&P के द्वारा क्या रेटिंग है सोवरेन बॉन्ड का, फिच रेटिंग के द्वारा इंडिया का क्या रेटिंग है, ये आपको बताना है। दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है कि USA का रेटिंग नीचे जा रहा है? USA का रेटिंग नीचे जाने के लिए इन्होंने जो दो कारण दिए वो कारण तो बिल्कुल वाजिब है, इसके साथ कुछ और कारण मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, विच इज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर वर्ड आज के जमाने में बन रहा है, विच इज नोन एज डी डॉलराइजेशन। क्या वर्ड है? डी डॉलराइजेशन। धीरे धीरे वर्ल्ड शायद डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। एक समय था जहां पर डॉलर की डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई थी, इनफैक्ट आज भी डॉलर की डिपेंडेंसी बहुत है। 1974 के ज़माने में जब अरब कंट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल का डेवलपमेंट होने लगा, क्रूड ऑयल मिलने लगा, और उन्होंने एक अपना एसोसिएशन बना दिया ओपेक करके, दैट इज़ ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इन्होंने जब ये अपना एसोसिएशन बनाया तब अमेरिका ने UAE और अलग अलग कंट्रीज के साथ डील करके एक मज़ेदार सा काम किया कि वी विल गिव यू मिलिटरी सपोर्ट, वी विल गिव यू मिलिटरी प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, इन एडिशन टू दैट मिलिट्री सिक्योरिटी वी विल गिव यू मिलिट्री इक्विपमेंट, वॉट यू शुड प्रोवाइड अस इज क्रूड ऑयल एंड वी विल गिव यू और वी विल परचेस क्रूड ऑयल इन डॉलर टर्म्स। तो हम आपसे क्रूड ऑयल डॉलर में खरीदेंगे एंड इन टर्न यू कैन परचेस मिलिट्री इक्विपमेंट फ्रॉम यू कैन से USA, इन टर्न यू कैन गेट मिलिट्री असिस्टेंस फ्रॉम USA। सो इन अ वे द आइडिया ऑफ यू कैन से सेलिंग क्रूड ऑयल इन डॉलर टर्म gain big ground and thereby the concept of petrodollars came into picture. क्या वर्ड आया? petrodollars. और पूरे वर्ल्ड में धीरे 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 petrodollar turn out to be a scenario where if you want to purchase petroleum you have to pay dollars. With the arrival of this against Russia into Ukraine, there is lot of problem took place and then Russia ko sanction lagaya gaya, bhaiya you cannot sell crude oil, or in fact it was stopped by you can say SWIFT. Russia ki sabhi bank ko SWIFT mein ban kar diya, that they cannot do any deal in dollar terms. You know what is SWIFT? Theek hai, yes, great, please put that into comment box. Mujhe bataiye SWIFT ka full form kya hai? ठीक है, स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है ये मुझे बताइए। दिस इज कनेक्टेड टू इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, ठीक है ना। स्विफ्ट इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, एवरी डे अप्रोक्सीमेटली 42 मिलियन ट्रांजैक्शंस दे रिकॉर्ड एवरी डे, एंड फॉर एवरी ट्रांजैक्शन दे गेट सम मनी, सो दे आर अर्निंग लॉट ऑफ मनी, सो दैट्स अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। स्विफ्ट में रशिया का पूरा ट्रांजैक्शन बैन कर दिया। अब रशिया कैसे ये ट्रांजैक्शन आगे बढ़ाए, ये एक बड़ा सवाल पैदा हो गया। सो रशिया ने अलग अलग कंट्रीज के साथ अलग अलग डील करी, जैसे इंडिया के साथ डील किया दैट यू वांट टू परचेस क्रूड ऑयल यू कैन एंड यू पे अस रुपीस, वी आर रेडी टू गिव यू क्रूड ऑयल इन रुपी टर्म्स, वी वर हैप्पी, सो वी परचेस क्रूड ऑयल इन रुपी टर्म। इंडिया के ऊपर आरोप लगा कि इंडिया तो एक तरीके से रशिया की वॉर को फंडिंग कर रहा है, तो इंडिया ने बहुत अच्छा आंसर भी दिया कि हम थोड़ी फंड कर रहे हैं, आप भी परचेस कर ही रहे हो ना, यूरोप यू आर परचेसिंग नेचुरल गैस फ्रॉम यू कैन से रशिया, सो इन अ वे यू आर आल्सो फंडिंग, सो डोंट जस्ट ब्लेम अस। ठीक है, चलो बढ़िया, ये तो अच्छा हो गया, हमने यू कैन से इसके ऊपर काम कर दिया। फिर कुछ दिनों के बाद रशिया को रियलाइज हुआ कि इंडिया से जो सामान परचेस कर रहे थे, सॉरी इंडिया को जो सामान बेच रहे थे उसकी वजह से उनके पास जो पैसे रहे, दैट इज इंडियन रुपी, नाउ दे आर नॉट एबल टू परचेस एनीथिंग इन इंडियन रुपी। ठीक है, व्हाई? बिकॉज इंडिया डजंट हैव एनीथिंग टू बी सोल्ड टू रशिया। सो दे सेड इफ यू वांट टू परचेस क्रूड ऑयल देन यू मस्ट गिव अस युआन, विच इज चाइनीज करेंसी, चाइनीज करेंसी दीजिए हमें, यह उन्होंने कहा। चाइना का अपना एक राइवल सिस्टम है स्विफ्ट के खिलाफ, विच इज नोन एज सिप्स, फुल फॉर्म बताइए इसका, है ना। स्विफ्ट का फुल फॉर्म आपने लिख ही दिया है, अब आपको बताना है CIPS का फुल फॉर्म। ठीक है, वो भी एक तरीके का सिमिलर सिस्टम है, बट दैट इज नॉट ऑफ वेस्टर्न कंट्री, बट दैट इज प्राइमरली ऑफ चाइना। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है वो बताइए। तो
अब इंडिया के ऊपर प्रेशर है, क्रूड ऑयल चाहिए तो युआन से परचेस करना, मतलब युआन के टर्म में परचेस करना पड़ेगा, और इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि धीरे 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 प्रेशर हो रहा है कि बिजनेसेस अब डॉलर टर्म में नहीं हो रहे। चाइना, रशिया, दे आर प्रेशराइजिंग द वर्ल्ड टू डू बिजनेस इन नॉन डॉलर फॉर्मेट। यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण बन सकता है फिच रेटिंग को, यूएसए को डाउनग्रेड करने का। आई होप इट इज वेरी क्लियर। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण बिल जो सेंट्रल गवर्नमेंट पास करने वाला है, विच इज नोन एज जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल 2023। इट इज एन अमेंडमेंट बिल। ठीक है, इस बिल के द्वारा, ठीक है, इट इज प्रेजेंटेड बाई, यू कैन से पीयूष गोयल। ठीक है, प्राइमरली दिस बिल बूस्ट टू ईज ऑफ लिविंग, क्या करेंगे, ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा करेंगे एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा करेंगे। प्राइमरली दे आर गोइंग टू अमेंड 180 प्रोविजन्स, ठीक है, टू बी डिक्रिमिनलाइज्ड इन 42 सेंट्रल एक्ट्स एडमिनिस्टर्ड बाय 19 मिनिस्ट्रीज। ये सब नंबर याद रखेगा, इलेट वाला आपसे ऐसा सवाल पूछता है, ठीक है, प्लीज नोट करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो 19 मिनिस्ट्री के अंदर 42 सेंट्रल एक्ट्स है, उनमें से 183 प्रोविजन को डिक्रिमिनलाइज किया जाएगा, विच इज नोन एज जन विश्वास अमेंडमेंट प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट बिल 2023। ठीक है, 42 बिल्स विल बी अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स विच इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, मीडिया पब्लिकेशन, हेल्थ एंड सो एंड सो फोर्थ, जिसमें बहुत सारी पेनल्टीज जो है, ठीक है, दे आर शिफ्टेड एंड कन्वर्टेड इन टू ओनली फाइन्स। ठीक है, दिस इज वेयर द कॉन्ट्रोवर्सी इज कमिंग अप। कॉन्ट्रोवर्सी इज कमिंग इन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बिल विच इज नोन एज ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 एंड फार्मेसी एक्ट 1948। तो ये तीन एक्ट की वजह से काफी डिबेटेबल इश्यू यहां पे क्रिएट हुआ। क्या मेजर क्रिएट हुआ, किस वाच का बात का अगेंस्ट डिबेट क्रिएट हुआ? डिबेट इस बात का हुआ कि व्हेन देयर आर ड्रग्स विच आर डेवलप्ड, है ना, विच आर नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, क्या बोलते हैं इसको, नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, इसको बोलते हैं एनएसक्यू ड्रग्स। ये एनएसक्यू ड्रग जो है, या एडल्टरेटेड ड्रग है, या स्पूरियस ड्रग है, या मिसलेबल्ड ड्रग है, ठीक है, इनके खिलाफ जो पनिशमेंट था वो हटाकर इसको बना दिया फाइन्स में। तो जिसकी वजह से इट इज गोइंग टू बी डेट्रीमेंटल टू द पब्लिक हेल्थ। ठीक है, पब्लिक हेल्थ के लिए ये बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ ड्रग्स आप प्रोड्यूस करने में एक तरीके से मदद कर रहे हो, और लोगों को, है ना, उस पर्टिकुलर गलती करने से एस्केप करने में आप मदद कर रहे हो, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो ये एक कॉमन मैन के लिए बड़ी कॉस्ट क्रिएट हो रही है, बड़ा महंगा साबित होने वाला है, जो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, सो दैट इज जन विश्वास बिल के बारे में बातें चल रही है। आर्टिकल 370 के बारे में जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, 5 जज की बेंच इसको सुन रही है, और जिनके हेड है, 5 जज की बेंच के हेड है डीवाई चंद्रचूड़, ही इज अ सीजेआई। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के अंदर इन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बोला, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के अंदर ये रेफरेंडम वाली सिस्टम चल नहीं सकती। तो बात यह हुई कि आर्टिकल 370 के खिलाफ, है ना, आर्टिकल 370 को जो एब्रोगेट किया गया था, ठीक है ना, क्या किया गया था दोस्तों, एब्रोगेट किया गया था, उसको पूरा रिपील थोड़ी करा, उसको पूरा निकाल थोड़ी दिया। ठीक है, आप आर्टिकल 370 को यूज करते हुए आर्टिकल 370 के पावरों को कम कर दिया, जिसके द्वारा जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस दिया था वो निकाल दिया। हाँ, आर्टिकल 35A वाज रिपील्ड, विच वाज गिविंग परमानेंट स्टेटस टू रेसिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, तो वो उन्होंने निकाल दिया। तो जब आर्टिकल 370 को डाइल्यूट किया गया, और उसके ऊपर जो डिबेट चल रही है उसके अंदर, ठीक है, कपिल सिब्बल जी ने आर्ग्यूमेंट दिया दैट व्हेन यू वांट टू सीवियर सच अ स्पेशल रिलेशनशिप
विथ जम्मू कश्मीर यू हैड टू अल्टीमेटली सीक ओपिनियन ऑफ द पीपल. द विल ऑफ द पीपल वॉज सेंट्रल टू दिस डिसीजन. इट शुड हैव बीन पॉलिटिकल डिसीजन. लुक एट वॉट हैपन टू द ब्रेक्सिट. यू नो ब्रेक्सिट में क्या हुआ? ब्रेक्सिट इज ब्रिटेन्स एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन. देर वॉज नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर रेफरेंडम येट दे आस्क द पीपल फॉर देयर ओपिनियन. चीफ जस्टिस ने कहा ओ ब्रेक्सिट सिचुएशन इज अ वेरी डिफरेंट सिनारियो. इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी सीकिंग ओपिनियन ऑफ पीपल शुड बी थ्रू दैट इज रियली एक्सेप्टेबल दैट यू मस्ट आस्क ओपिनियन ऑफ द पीपल. बट हाउ डू यू गो एंड आस्क ओपिनियन ऑफ द पीपल? ओपिनियन ऑफ पीपल शुड बी कमिंग थ्रू एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन. एनी रिकोर्स टू पब्लिक ओपिनियन हैज टू बी सॉट थ्रू द एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस. यू कैन नॉट एनविसाज ब्रेक्सिट टाइप रेफरेंडम दैट वॉज अ पॉलिटिकल डिसीजन टेकन बाय देन गवर्नमेंट ऑफ यूके. बट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक इंडिया देर इज नो क्वेश्चन ऑफ रेफरेंडम. तो उन्होंने इसी बात को निकाल दिया. ठीक है, तो सही बात है ना. इंडिया में रेफरेंडम हो नहीं सकता क्योंकि इंडिया का डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इज वेरी डिफरेंट. जहां पे हमने बहुत सारी पब्लिक इंस्टीट्यूशन बनाई है उन इंस्टीट्यूशन के द्वारा ही पब्लिक के ओपिनियन लिए जाएंगे और उसी के द्वारा कुछ बातें रखी जाएगी. समझ में आया दोस्तों? इज दैट वेरी क्लियर? ग्रेट. एंड देन वन लास्ट वन इंपॉर्टेंट न्यूज है ना, जो इस आर्टिकल 370 के साथ आ रही थी कि जहां पे कपिल सिब्बल ने कहा कि वन ऑफ योर एस्टीम कलीग हैज सेड इन द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी इज ऑल्सो डाउटफुल. ऐसा उन्होंने राज्यसभा में कहा. किसने कहा ये? एक्स सीजीआई रंजन गोगोई ने कहा. अब रंजन गोगोई साहब इज एन एमपी नाउ, है ना, ही इज एन एमपी सपोर्टेड थ्रू बीजेपी. सो वॉट एवर इज अ बीजेपी का ओपिनियन वही वो बोलेंगे. तो बहुत अच्छी तरीके से सीजीआई ने इस बात को बोला दैट रिटायर्ड जजेस व्यूज आर नॉट बाइंडिंग ऑन सीजेआई और ऑन द जुडिशरी. दिस इज वेरी क्रूशियल. आई एम श्योर आपने भी जब ये न्यूज सुनी होगी तो आपके मन में ये बात पक्का ही होगी कि ये कैसे हो गया कि कोई रिटायर्ड जज है उसकी बातों को जज सुनेंगे कैसे. कमिंग टू पाकिस्तान का न्यूज, पाकिस्तान में इमरान खान को जेल में डाल दिया फॉर तोश खाना ग्राफ्ट केस. ठीक है, ओके, सो उनको जेल में डाल दिया. कितने साल की जेल हुई उनको? 3 ईयर की जेल. और उसके बाद उनको अब 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया. आपको याद है इंडिया में एमपी को डिस्क्वालीफाई करते हैं कितने समय के लिए? 6 साल के लिए. राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया था कि नहीं? ठीक है, और अभी वो लालू प्रसाद यादव डिस्क्वालीफाइड है. वैसे ही इमरान खान को यहाँ पे टॉप इलेक्शन बॉडी ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया और डिस्क्वालीफाई फॉर 5 ईयर फॉलोइंग हिज कन्विक्शन इन द करप्शन केसेस. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोट कि अब पोल मतलब इलेक्शन तो इमीजिएट आएगा नहीं. ठीक है, और ये बहुत सारे आर्ग्यूमेंट आएंगे कि कौन बायस्ड है, कैसा सिनारियो है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि मेजर फैक्चुअल सिनारियो इसमें से क्या है. ओके, चलिए, ग्रेट. सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस मॉड्यूल. आई एम श्योर यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस मॉड्यूल. अगर आपको ये मॉड्यूल पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेल टू लास्ट नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट. ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे.